अरे हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हो, तो सिंपली गाइस आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट कितने टाइप्स की होती है और वेबसाइट लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि होस्टिंग कहाँ से लेंगे और एंड डोमेन कहाँ से लेंगे, तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि कई सारे जो है कमेंट में हमसे पूछा गया था कि वेबसाइट कितने टाइप्स की होती है, वेबसाइट अगर हमारे पास लोकल वेबसाइट है तो हम उसको कहाँ अपलोड करेंगे, तो यही सारा जो है आप लोगों के क्वेरी का सलूशन लेके मैं आया हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, वेबसाइट जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक जो है डायनेमिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट में जिसमें हम कंटेंट को, वेबसाइट के कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज किया जाता है HTML, CSS etc. जो यूज किया जाता है, जैसे कि आपका मैं फॉर एग्जाम्पल में बात करूँ तो इसमें जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया, लैंडिंग पेज वेबसाइट हो गया, एंड आपका जो होता है कि एंड रेज्यूम वेबसाइट होगा, ये सारा जितने भी वेबसाइट होते हैं एक कॉन्स्टेंट वेबसाइट होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट होते हैं, जिससे कि इसका कंटेंट हम चेंज न कर सके। और जो डायनेमिक वेबसाइट होती है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट की जाती है वो डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट की जाती है, जिसमें डायनेमिक वेबसाइट में हम कंटेंट वगैरह को जो है चेंज कर लेते हैं। डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए जैसे ASP.NET, PHP एंड सर्वलेट etc. हम यूज करते हैं, तो यही सारा जो है प्रोसेस होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट कितने टाइप्स की होती है। मेन वेबसाइट जो होता है दो टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट होती है। मैं बात कर लेता हूँ डिज़ाइन के क्या क्या पार्ट होते हैं। जो डिज़ाइन के पार्ट होते हैं, मैं जो देख पा रहा हूँ, कर एक्सेसिबिलिटी होते हैं, एंड आपका यूजेबिलिटी होता है, इंगेजिंग होता है, मैसेज होता है, एंड आप जो है फंक्शनलिटी होता है। अगर बात कर लेता हूँ कि वेबसाइट को हम अपलोड कहाँ करते हैं, वेबसाइट आप दो प्रोसेस में अपलोड कर सकते हैं, एक सी पैनल में भी अपलोड कर सकते हैं, फिर आफ्टर दैट आप जो है फाइल जिला पर भी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली अक्सर जो यूज़ किया जाता है, सी पैनल पर भी अपलोड किया जाता है फर्स्ट में, और सेकंड में जो है फाइल जिला पर भी अपलोड किया जाता है। वेबसाइट अगर आप बना लेते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद आपके पास एक लोकल वेबसाइट हो गई, फिर आफ्टर दैट फिर उसके बाद आप लेंगे जो है होस्टिंग लेंगे। आप होस्टिंग कई सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, होस्टकेटर हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से होस्टिंग आप परचेज कर सकते हैं, और जो है वहाँ पे आपको प्रीमियम होस्टिंग मिलेगा। फिर आफ्टर दैट फिर हम डोमेन की बात करता हूँ, गोडैडी से अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको .com से लेके .in से लेके SEO .in .net आपको etc. कई सारे आपको डोमेन जो है कम प्राइस में आपको वहाँ से मिल जाता है। आप 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, तो वहाँ से भी डोमेन परचेज कर सकते हैं। यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक आपकी लोकल वेबसाइट की आवश्यकता होती है, एक आपकी जो है डोमेन की आवश्यकता होती है, एक होस्टिंग की आवश्यकता होती है। तीनों चीज़ लेके आप सिंपली जो है एक अच्छा प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। कई सारे बंदों के रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो मुझे क्रिएट करना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।